Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBVN online classes. And in the previous video we were studying about the Lost Spring, which is composed by Annie Jung, which is chapter number 2 of Flamingo. Now actually we have read about Saheb and his critical conditions, and then we picked up the main protagonist of this chapter, that is Mukesh. And he was actually more ambitious and he wanted to be a car mechanic. एंड एक्चुअली देन वी रेड दैट कि जो नरेटर है वो उसके साथ उसके घर जाते हैं, एंड दो हिज हाउस वॉज वेरी शैबी बट लेकिन ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ बिकॉज इट वॉज हाफ ब्यूल्ट ओके हाफ रीब्यूल्ट एंड अ फ्रेल यंग वुमेन शी वॉज कुकिंग अ मील फॉर द होल फैमिली एंड आई टोल्ड यू दैट फ्रेल मीन्स वेरी वीक. So young woman, she was cooking a meal for the whole family. And Mukesh, his main ancestral occupation was bangle making, and he actually belonged to Firozabad. Okay. Through eyes filled with smoke, she smiled. So जो अब young बहुत weak सी जो women है वो खाना बना रही है, तो चूल्हे में से बहुत smoke आ रही है और उस smoke में वो smile कर रही है. She is wife of मुकेश एल्डर ब्रदर. सो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वो वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. सो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है वो एज में, और उसने अपने घर में एक मतलब बहू की रेस्पेक्ट वो कमा चुकी है. दैट इज़ शी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men हर हस्बैंड मुकेश एंड अ फादर. तो उसने 3 जो मेल पर्सनैलिटी उनकी जिम्मेदारी संभाली हुई है, उसमें उनका एक हस्बैंड है, एक मुकेश है, और उनके मुकेश और उसके हस्बैंड के फादर मतलब उस लड़की के फादर इन लॉ. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस. सो जब ओल्डर एक जो बूढ़ा आदमी है जब वो एंटर होता है उसके घर में, तो वो एक्चुअली शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और वो एकदम से जो टूटी हुई वॉल है उसके पीछे अपने एकदम से अपने आप को छुपा लेती है, और अपना जो वेल यानी घूंघट जो है वो अपने और फेस घूंघट से फेस को छुपा लेती है. एज द कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. सो ऐसा कस्टम है, एक ऐसा ट्रेडिशन है कि डॉटर इन लॉ जो है वो मेल जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके सामने घूंघट निकालती हैं. इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवराइज्ड बैंगल मेकर. तो यहाँ पर एल्डर कौन है, वहाँ यहाँ पर एल्डर है उनके फादर इन लॉ यानी मुकेश के फादर, जो कि इम्पॉवराइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा पुअर हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर दैन अ बैंगल मेकर. सो बहुत उन्होंने काफ़ी साल तक बहुत हार्ड वर्क किया है. पहले वो एक टेलर थे, उसके बाद में अब एक वो बैंगल मेकर बन गए हैं. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस. और वो बिल्कुल अपने हाउस को रेनोवेट करने के लिए वो बिल्कुल फेल हो गए, मतलब उनके पास इतनी इनकम नहीं है. ही एक्चुअली बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली. Sent his 2 sons to school, और उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा. All he has managed to do is teach them what he knows. और उसने इतना मैनेज किया कि वो अपने दोनों बच्चों को जितना उन्हें आता है वो उनको सिखाना चाहता था. The art of making bangles. और वो क्या सिखाना चाहता था कि दोनों बच्चों को कि कैसे bangles को अच्छे से बनाया जाता है. It is his karam, his destiny, says Mukesh grandmother. So जो मुकेश की दादी माँ है वो बोल रही है कि ये तो इसका करम है, ये इसकी डेस्टिनी है. इसका ये मतलब, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसका ये मतलब है कि मुकेश दो ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस बॉय एंड ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक रैदर दैन कंटिन्यूइंग विद अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री और वर्किंग इन अ बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. What his grandmother said that ये तो इसके कर्म है, ये इसी का ही किस्मत है कि ये हमारे घर में पैदा हुआ है, तो अब इसको obviously बैंगल मेकिंग का ही काम करना है. अगर इसे और कुछ बनना होता तो ये हमारी फैमिली में क्यों बॉर्न होता. सो इफ इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आर फैमिली सो बैंगल मेकिंग इज शुड बी हिज ऑक्यूपेशन. ओके, तो ये इसके कर्मों में लिखा है इसलिए हमारे घर में आया है ये. ठीक है.
who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. और उनकी दादी माँ ने अपने खुद के हस्बैंड को यानी मुकेश के दादाजी को देखा हुआ है कि किस तरह से वो जो है वो मतलब जब पॉलिशिंग होती है बैंगल्स की, ग्लास की जो पॉलिशिंग होती है ना, उसकी जो उसके डस्ट से किस तरह से मुकेश के दादाजी ब्लाइंड हो चुके थे. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. तो उसने बोला कि क्या मतलब जो भगवान जो चाहता है क्या हम उसे कुछ तोड़ सकते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते. जो भगवान करता है या भगवान ने जो लिखा है उसकी हम बाउंडेशंस को उलांग नहीं सकते हैं. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव बीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस. सो ऑब्वियसली इन ये बैंगल मेकर्स के घर में इसने जन्म लिया है तो इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं. क्या है, सिर्फ बैंगल्स हैं घर में और इसको वही काम कंटिन्यू करना पड़ेगा. इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, यार्ड में हर एक घर में फिरोजाबाद के बैंगल्स हैं. एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद. सो ऑब्वियसली मुकेश का जन्म यहाँ हुआ है फिरोजाबाद में, ऐसे घर में हुआ है जहाँ पर सिर्फ बैंगल मेकिंग ये मेन ऑक्यूपेशन है, तो वो और दूसरा ऑक्यूपेशन हम उसको कैसे ऑप्ट करने दे सकते हैं. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, line the mounds in the unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young man along the narrow lanes of the shanty town. So, जो बहुत सारे bangles के गोल गोल घुमावदार गुच्छे बनाए हुए, कुछ golden color के हैं, कुछ चूड़ियाँ paddy green color की हैं, कुछ रॉयल ब्लू कलर की हैं, कोई पिंक है, कोई पर्पल है. सो मतलब अलग अलग कलर्स के, रेनबो के कलर्स की, सेवन कलर्स की बहुत सारी चूड़ियाँ जो कि एक मतलब यार्ड में पड़ी रहती हैं और जिनको बिल्कुल अच्छे से इकट्ठे करके किसी फोर व्हील्ड हैंड कार्ट पे, यानी कि जो हमारा ठेला होता है उस पे रखा जाता है और उसके बाद में जो यंग मैन है वो उस हैंड कार्ट को छोटी छोटी गलियों में, जो शेंटी टाउन है, जो बहुत सिकुड़ा सा गलियां हैं जिनकी, वहाँ ले जा के बेचते हैं. एंड इन अ डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. और डार्क हटमेंट्स में यानी कि जो छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं और बिल्कुल अंधेरा होता है, जो कि वहाँ पर एक छोटा सा ऑयल लैम्प जला दिया जाता है, वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियाँ बैठते हैं अपने मम्मी पापा के साथ में और जो कलरफुल ग्लासेस हैं उनको गोल गोल बैंगल्स में वो लोग क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. सारा दिन वो इस अंधेरे में काम करते हैं इसलिए उनकी आँखों को बाहर की जो लाइट की रोशनी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है. उनको डार्क में रहना ही उनकी आइज़ जो है उस चीज़ के लिए एडजस्ट हो चुकी है. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. सो ज़्यादातर ये अपनी ऐसी ही कहानी ख़त्म कर देते हैं ऐसे ही बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए. जब तक वो बड़े होते हैं कई बार उनकी आई साइट भी छिन चुकी होती है, यानी वो अंधे हो चुके होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.